आज मेरे चैनल पे मैं हमेशा रेसिपी बनाती हूँ, लेकिन आज मेरी सासू मम्मी बनाएंगी चने का साग। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चने के साग की सब्जी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। यहाँ पर आज मेरे सासू मम्मी ने बनाया था, और जो कि बहुत कम समय में ही इन्होंने चूल्हे पे बनाकर तैयार किया है। इस तरीके से आप भी बनाइए, आपकी चने के साग की सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। तो बहुत अलग तरीके से बनेगा ये चने का साग, तो इस वीडियो को आप जरूर से ज़रूर देखिएगा और कोशिश करिएगा कि इस तरीके से आप भी बनाए, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। वीडियो को बिना स्किप के बगैर देखेंगे तो आपको पूरी रेसिपी समझ में आएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। प्रदर्शन में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करने से सबसे पहले हम आज आपको दिखाना चाहेंगे कि गांव का बैकग्राउंड कैसा होता है। तो यहाँ पर चने के साग कैसे तोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पेड़ हैं, तो यहाँ पर आज हम लोग बाहर गए थे। यहाँ पर मम्मी और हम और दो तीन लोग साथ में थे, तो हम लोग सब लोग बाहर गए थे और चने के साग ऐसे तोड़ के छोटे छोटे तो उनमें से तोड़ के लाए। इसी के साथ में मेथी भी तोड़ा, जो कि चने के साग में पड़ती है। साथ में भथुआ भी आप डाल सकते हैं, पालक भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ें आप इसमें हरी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। उस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसमें हमने पालक भी ऐड किया है। तो आज हम चूल्हे पे बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम चूल्हे की सफाई पहले करेंगे। तो चूल्हे को हम साफ़ कर रहे थे, पोत रहे थे, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे रेसिपी को बनाना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चूल्हे की सफाई भी हो चुकी है। तो अब हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर मेरी मम्मी यहाँ पर चने के साग को कटिंग कर रही है। कटिंग करने के बाद ही इसको बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे वीडियो में आप बने रहिए। इसी तरीके से बनाना है और बहुत कम समय में इस तरीके से आप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चने का साग भी इस तरीके से हमारा पूरा कटिंग हो चुका है। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो हरी मिर्च ऐड करेंगे उसको ले लेंगे, और जो लहसुन इसमें थोड़ा ज़्यादा डालनी पड़ती है, क्योंकि इसमें हरी मिर्च और लहसुन डालेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, थोड़ा ज़्यादा ही लगता है इसमें। इसमें पालक और मेथी, हरी मिर्च, लहसुन बहुत चीज़ें पड़ी हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। दस 12 मिर्चियाँ हैं, 20-25 कलियाँ लहसुन है, और ये मेथी वो लहसुन से उसकी बघार लगाना है, और मेथी दाने भी डालना है एक चुटकी। अच्छे से धोकर निचोड़ लेंगे, और लहसुन और मेथी दाने जब अच्छे से पक जाएंगे तेल में, तो उसमें इसको भाजी को डाल देंगे। डालते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा करके साग में डालते रहेंगे और यूं चम्मच हिलाते रहेंगे। धुलाई बहुत अच्छे से करना पड़ता है, नहीं इसमें धूल मिट्टी रहती है तो खाने में टेस्ट नहीं लगता। इसको आप एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। इसके साथ में मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी कुछ भी खा सकते हैं, गेहूं की रोटी। ये जो मिर्ची लहसुन हम ले रखे हैं, ये ऐसा आपके पास नहीं हो तो आप मिर्ची जार में भी पीस सकते हैं इसको दरदरा करके, और इसको ऐसे करके इस भाजी में हम डाल देंगे। ये मिर्ची लहसुन से ही इसका टेस्ट आता है दाने से। इसके साथ साथ जब बघार लगाते हैं तो लहसुन के टुकड़े थोड़े और खड़ी मेथी डाल दो, उससे इसका टेस्ट अच्छा आता है वाकई का। अब ये मिर्ची और लहसुन ऐसा है दरदरा करके इसमें डाल दो, स्वाद अनुसार डालना जितना आपको लगता है। मिर्ची लहसुन ये सब डाल दिया मैंने, अब नमक स्वाद अनुसार डालना है इसमें जितना आपको लगता है। अब ये ऐसा ही भुजाई करते करते पक जाएगा, फिर आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक
ये लगभग 1 चम्मच है, इसको हमने डाल दिया। अब इसको ढक देंगे, अब ये पकते रहेगा क्योंकि ये पानी छोड़ता है, इसको जलाना भी पड़ता है ताकि ये इसी पानी के अंदर धीरे धीरे पक जाए। ये अब हमारी सब्जी बनकर के एकदम तैयार हो गई है, अब इसको आप खा सकते हैं। रोटी में, चावल में, जिसको पसंद है सूखी सब्जी, मुझे तो चावल के साथ भी सूखी सब्जी बहुत पसंद है। रोटी में तो खाते ही हैं सब हम लोग। और इस सब्जी को बनाकर आप कभी खाएं और फिर देखें कि ये सब्जी कितनी अच्छी है। हमारे चने के साग की सब्जी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या होता है ना कि आप इसे गैस पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप इसे चूल्हे में बनाकर तैयार करेंगे तो इसका जो टेस्ट होता है ना 100 गुना बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इस तरीके से आप भी बनाइए, आपकी भी चने के साग की सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। सब्जी बनकर तैयार हो गई है और अब भी आप सब मिलकर खा सकते हैं। और पौष्टिक आहार होती है सब्जियाँ और खाने में बहुत टेस्टी है।